बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत के ज़िम्मेदारों से गुफ्तगू हुई और उन्होंने मजलिसों वगैरह में और घर के प्रोग्रामों में 50 लोगों के शिरकत की इजाज़त दी है, लेकिन वो भी कोविड के कवानीन के तहत के मास्क भी पहने रहे, उसके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग भी रहे। लेकिन जुलूस की अभी इजाज़त हमें नहीं मिली है। जो मरकजी जुलूस हमारे निकलते हैं, बड़े जुलूस निकलते हैं, उनकी कोई भी इजाज़त अभी तक नहीं मिल सकी है। इसी तरह से घरों के अंदर ताज़िया खाने सजाने की और ताज़िया रखने की भी इजाज़त है। और आशूर के दिन बहुत से लोग जो है अपने घर को घरों के ताज़िया उठाते हैं, उनको भी इंशाल्लाह इजाज़त रहे कि वो अपने घरों के ताज़िया उठाएं, लेकिन इक्का दुक्का लोगों के साथ वो ताज़िया उठाए जाएंगे और दफ्त किए जाएंगे। ये तमाम बातचीत हमारी हुई है और इसमें एहतियात मद्देनज़र रखना चाहिए, और क्योंकि ज़ाहिर है कि इसमें हमारा ही इसमें भला है और कोविड के कवानीन की पाबंदी में जो है वो हमारे लिए जो है वाजिब लाजिम, क्योंकि हमारे उलमा और मौलाना फतवे भी दे चुके हैं कि इससे एहतियात करना जो है वाजिब लाजिम। लिहाजा मजलिसों में कोई रुकावट नहीं है, मजलिस इमाम बाड़ों में होगी इंशाल्लाह, लेकिन सिर्फ 50 लोगों के साथ। इमाम बाड़े सजे जाएंगे घरों के, तालम लगाए जाएंगे, ताज़िया रखे जाएंगे, उसमें भी कोई रुकावट नहीं है। और आशूर के दिन इंशाल्लाह ताज़िया भी दफ्त होंगे, लेकिन बस वही कि सिर्फ घर के इक्का दुक्का लोग उसमें शरीक होंगे जो लेके जाएंगे, उसको भी मजमे की इजाज़त नहीं दी गई है।